सीटों का नंबर को लेके और प्रधानमंत्री का तो साफ इस बात का ऐलान कर दिया उड़ीसा में आज कि तीसरी बार भी सरकार बनने जा रही है। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ साथ ये निवर्तमान गृह मंत्री हैं। 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और चुनाव होते गए अभी सातवां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी, 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार, स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा, निवर्तमान प्रधानमंत्री की बार बार बदनाम करना इंडिया जनबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो झूठ की महामारी फैलाए हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहा जा सकता है? मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ये विकृत असत्यभाषी हैं, विकृत असत्यभाषी, पैथोलॉजिकल लायर है। और अब तो यह बिल भी साफ हो गया है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इंसान है जो अपने आप को भगवान मानते हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं? इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, बताइए मुझे। क्या कहेंगे आप, छठा चरण खत्म, सातवें चरण भी बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और मतदान और मतगणना में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। दावा गृहमंत्री का भी सीटों का नंबर को लेके और प्रधानमंत्री का तो साफ इस बात का ऐलान कर दिया उड़ीसा में आज कि तीसरी बार भी सरकार बनने जा रही है। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ साथ ये निवर्तमान गृह मंत्री हैं। 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और चुनाव होते गए अभी सातवां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी, 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार, स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा, निवर्तमान प्रधानमंत्री की बार बार बदनाम करना इंडिया जनबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो झूठ की महामारी फैलाए हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहा जा सकता है? मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ये विकृत असत्यभाषी हैं, विकृत असत्यभाषी, पैथोलॉजिकल लायर है। और अब तो ये बिल भी साफ हो गया है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इंसान है जो अपने आप को भगवान मानते हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं? इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, बताइए।